चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। और इसके विकल्प हैं और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, क्योंकि उन विशेष कोशिकाओं का उपयोग करने के लिए शरीर में सभी आवश्यक आपूर्ति होती है। क्योंकि शरीर के दोनों छोर तथा पूंछ में विशेष कोशिकाएं होती है, लेकिन एक बार पूंछ अलग हो जाने से जीवन के लिए आपूर्ति नहीं होने के कारण कोशिकाएं कभी कभी मर जाती है। जबकि एक शरीर के पास एक नई पूंछ विकसित करने के लिए कोशिकाओं को जीवित रहने की आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिए सभी अंग होते हैं। ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें सभी पोषण होते हैं और शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। यह विकल्प सही नहीं है, क्योंकि शरीर से अलग होने के बाद पूंछ में पोषण की आपूर्ति नहीं होती है और कभी कभी मर जाती है। ऑप्शन बी, क्योंकि यह अकेले काम कर सकती है और इसे शरीर की आवश्यकता नहीं है। यह विकल्प सही नहीं है, क्योंकि पूंछ में जीवित रहने के लिए कोई अंग नहीं होता है और वह अकेले काम नहीं कर सकती है। ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें विशेष कोशिकाएं नहीं हैं जैसे शरीर में होती है। यह विकल्प भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें विशेष कोशिकाएं होती हैं लेकिन वे मर जाती हैं, क्योंकि अलग होने के बाद उन्हें रक्त या ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती है।